रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 54th एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे सभी साथी विक्टर के घर पर चले आते हैं, जहाँ अंकल डा हीरो को किडनैप करने के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं और दूसरे अटेम्प्ट में अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं और हीरो को सफलतापूर्वक किडनैप कर लेते हैं। फिर अंकल डा हीरो के सभी डाउट क्लियर करते हैं और अपने जीवन का लेक्चर देते हैं और लास्ट में हमें पता लगता है कि अंकल डा न्यूरोलॉजी के फेमस डॉक्टर डॉक्टर गुलाटी को अपने पास रखे हुए हैं। अब एपिसोड में आगे, एपिसोड के शुरुआत में हमें आकुन को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग की छत पर छोटा सा एग्जीबिशन लगाया होता है, जहाँ पर चाइना से इलीगल तरीके से इंपोर्ट किए गए प्राचीन वस्तुओं को बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिखाता है और साथ ही बोलता है कि अगर आपको इस बार मंगाए गए प्राचीन वस्तुएं पसंद आई तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुएं चाइना से मंगाएंगे। फिर कोजिमा उन सभी को प्राचीन वस्तु के इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताती है और कोजिमा की बातों से इम्प्रेस होकर बड़े बड़े बिजनेसमैन उन प्राचीन वस्तुओं को खरीदने का मन बना लेते हैं और ये सीन यही प्रकट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकुन और अंकलडा साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर आकुन अंकलडा को बताता है कि हमारा छोटा सा एग्जीबिशन सक्सेसफुल रहा, वह सभी प्राचीन वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर वहाँ पर कोजिमा आती है जो साथ में अपने जेडाई को लाती है। तब हमें पता लगता है कि चौथी जेडाई अंकलडा के पास थी और यहाँ हमें पता लगता है कि अंकलडा तीसरी जेडाई को भी पाना चाहते हैं जो कि मिस्टर नागा के पास है और अभी विक्टर के म्यूजियम में रखी हुई है। दूसरी तरफ हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो लेडी ऑफिसर और बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि आकुन कई बार एक गोडाउन में जाता और आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर लेडी ऑफिसर एक प्लान बनाती है कि हम इस बार आकुन को बीच रास्ते में दबोच लेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद आकुन के गोडाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर आकुन एक पेंडेंट को हीरो को दिखाता है और बोलता है क्या तुम इसके बारे में अपनी गोल्डन एज से देखकर कुछ बताओगे। इस पर हीरो आकुन से पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो चाइना का राष्ट्रीय खजाना है जो कि उनके म्यूजियम में रखा हुआ था। इस पर आकुन जवाब देता है रुको जरा सबर करो, पहले तुम मुझे इसके बारे में बताओ फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इस पर हीरो जवाब देता है कि इसके लिए गोल्डन एज को एक्टिवेट करने की क्या जरूरत है, ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा। फिर यहाँ पर हीरो उस पेंडेंट के इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताता है और साथ ही बताता है कि इस पेंडेंट में एक बहुत बड़ी खामी है। इस पेंडेंट के पत्थर में एक दरार है जिसे छिपाने के लिए इसके निर्माता ने इसे सोने की चेन में जड़ दिया। अगर आप इसे सूर्य के प्रकाश में देखेंगे तो वह दरार आपको आसानी से दिखाई दे जाएगी और यह आकुन हीरो के कहे मुताबिक करता है। फिर आकुन हीरो की बात सुनकर हीरो से इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि अंकल डा ने कहा था कि तुम्हारी गोल्डन आइज इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को क्लियरली देख सकती है। पहले तो मुझे अंकल डा की बात पर विश्वास नहीं हुआ था परंतु अब मुझे लगता है कि अंकल डा सच कह रहे थे और वह इन गोल्डन आइज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर हीरो आकुन की बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे मिला। इस पर आकुन जवाब देता है कि ये तो अंकल डा का कमाल है, ये तो केवल उनकी वजह से संभव हो पाया और मैं तुम्हें बताता हूँ अभी हम चाइना से बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं को ऐसे ही मंगाने वाले हैं। फिर हीरो आकुन से बोलता है आकुन आपको देखकर मुझे मिस्टर किन की याद आ गई, एक समय था जब मिस्टर किन अंकल डा की कठपुतली थी और अब मुझे आप में मिस्टर किन दिखाई दे रहे हैं और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मिस्टर किन के साथ क्या हुआ। यहाँ पर आकुन हीरो की बात को अच्छी तरह सुनता भी है और समझता भी है परंतु हीरो को बिना जवाब दिए वहाँ चला जाता है। जैसे ही आकुन अपनी कार में बैठकर थोड़ा आगे बढ़ता है तभी बीच रास्ते में हमारे तीनों बड़ी उसका रास्ता रोक लेते हैं। फिर आकुन कार से निकलकर बाहर आता है और हमारे तीनों बड़ी से बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे अड्डे को खोज लिया, अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि आप अंकल डा से कहना हम उनसे डील करना चाहते हैं, हम जेडाई के बदले हीरो को रिहा करवाना चाहते हैं और उससे पहले हम ये भी देखना चाहते हैं कि हीरो सही सलामत है या नहीं। इस पर आकुन जवाब देता है नो प्रॉब्लम मैं आपकी बात को अंकल डा तक पहुंचा दूंगा, क्या अब मैं जा सकता हूं। और आकुन के इतना बोलने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लेडी ऑफिसर और बॉडीगार्ड हीरो से मिलने के लिए आकुन के अड्डे पर आ जाते हैं, जहां उनका वेलकम अंकल डा करते हैं और बोलते हैं कि लेडी ऑफिसर आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि अंकल डा आपको गिरफ्तार करने के बाद मैं आपसे रोज मिला करूंगी। यहाँ अंकल डा लेडी ऑफिसर की बात पर हंसते हैं और बोलते हैं कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं और अब ये बताओ आप में से हीरो से कौन मिलना चाहेगा। तभी लेडी ऑफिसर अंकल डा के साथ अंदर चली जाती है और अंकल डा लेडी ऑफिसर को हीरो के पास छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अंकल डा ने हीरो और लेडी ऑफिसर की बातें सुनने के लिए हीरो की टेबल के नीचे एक माइक्रोफोन लगाया होता है और हीरो लेडी ऑफिसर को इशारा करके ये बताता है। यहाँ पर लेडी ऑफिसर माइक्रोफोन पर चिंगम चिपकाकर उसे खराब कर देती है और ये कैसे करती है ये तो वही जाने। फिर यहाँ हीरो लेडी ऑफिसर को बताता है कि अंकल डा इल्लीगल तरीके से चाइना का राष्ट्रीय खजाना चाइना से यूक्रेन एक्सपोर्ट करके बेच रहा है, आपको ये पता लगाना होगा कि वह ऐसा कैसे कर रहा है। फिर लेडी ऑफिसर हीरो को बोलती है कि अंकल डा को जेडाई देने का नाटक करेंगे और पीछे से बॉडीगार्ड आपको बचाने आएगा, आप इसके लिए तैयार रहना।
फिर हीरो एक सुझाव देता है कि जब आप ऐसा कर रही हो तब आप जेमर का यूज करें ताकि उस समय आकुन और अंकलडा आपस में बात नहीं कर पाए। यहाँ पर हीरो और लेडी ऑफिसर आपस में बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर आकुन आ जाता है और लेडी ऑफिसर को बाहर भगा देता है। फिर बाहर अंकलडा लेडी ऑफिसर की अच्छे से विदाई कर देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी ऑफिसर कल के प्लान के बारे में एक एक करके सबको समझा रही होती है। तभी मिस्टर नागा लेडी ऑफिसर से कोजिमा के बारे में पूछते हैं। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है, मिस्टर नागा आप मुझे माफ करें, मैं जुआंग रुई से कोजिमा के बारे में पूछ नहीं पाई और वैसे मुझे पता है कि उन लोगों ने हीरो के साथ कोजिमा को बंदी बनाया हुआ नहीं था। फिर हमें थोड़ी देर बाद कोजिमा को दिखाया जाता है जो हीरो के लिए एक गिलास दूध लाती है। इस पर हीरो जवाब देता है कि मैंने फिल्मों में देखा है कि लड़कियां दूध का गिलास तो रात को लेकर आती हैं। तभी हीरो की बात सुनकर कोजिमा वापस जाने लगती है। फिर हीरो कोजिमा से पूछता है कि आपने मिस्टर नागा को धोखा क्यों दिया। इस पर कोजिमा जवाब देती है कि जुआंग रुई आप मुझे अभी भी गलत समझ रहे हैं, मैंने कभी मिस्टर नागा को धोखा नहीं दिया, मैं शुरू से ही अंकलडा के लिए काम कर रही थी और अंकलडा ने मुझे मिस्टर नागा के असिस्टेंट बनने के लिए बोला था। इस पर हीरो बोलता है परंतु तुम सैलरी तो दोनों जगह से ले रही थी ना। यहाँ पर कोजिमा सैलरी की बात सुनकर हीरो की बात का बिना जवाब दिए वहाँ चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकलडा एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड और लेडी ऑफिसर के साथ विक्टर भी आता है और वे सभी साथ में अपने जेडाई भी लाते हैं। तभी बेस्ट फ्रेंड अंकलडा से बोलता है कि अंकलडा आप एक विलन के रूप में अच्छे नहीं लग रहे हो, आप एक तब पार्टनर मूवी की छोटा रोल लग रहे हो। इस पर अंकलडा जवाब देते कि मैंने तुम्हें यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, सीधे मुद्दे की बात पर आओ और जेडाई को मुझे दिखाओ। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि अंकलडा आप चिंता मत कीजिए, हम जेडाई को अपने साथ लाए हैं। तभी बेस्ट फ्रेंड दोबारा बोलता है कि अंकलडा एक समय था जब जुआंग रुई और मैं अपने बड़े बुजुर्गों के रूप में आपको ही अपना सब कुछ मानते थे, हम आप में अपने ग्रैंडफादर को देखते थे और हमारे दिलों में आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान था, हमें लगता था कि भगवान ने अंकलडा के रूप में अपना एक अवतार भेज दिया है। और यहाँ हमें पता लगता है कि बेस्ट फ्रेंड अंकलडा से ऐसी बातें करके उनका टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि हीरो को अधिक से अधिक टाइम मिल सके। अब हम बेस्ट फ्रेंड को अंकलडा का टाइम वेस्ट करने देते हैं और चलते हैं हीरो की तरफ। हमें दूसरी तरफ हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे मिलने आकुन आता है और आते ही हीरो से बोलता है कि मुझे बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जैसे ही अंकलडा को जेडाई मिल जाएगी तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे। इस पर हीरो जवाब देता है कि आकुन ये तो तुम भी जानते हो कि अंकलडा मुझे कभी रिहा नहीं करेंगे, वह तो जेडाई को पाने के लिए मुझे केवल जारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आकुन मैं तुम्हें गोल्डन एज की एक और बात बताता हूँ, मेरी गोल्डन एज फ्यूचर को भी देख सकती है और चाइना में तुम जिस व्यक्ति से प्राचीन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करवा रहे हो उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पास ब्रेकिंग न्यूज आने वाली होगी। यह हीरो की बात सुनकर आकुन थोड़ा घबरा जाता है और अंकलडा को कॉल लगाने की कोशिश करता है परंतु यहाँ अंकलडा का कॉल नहीं लगता। फिर आकुन चाइना में अपने एक्सपोर्टर को कॉल लगाने के लिए एक मोबाइल नंबर डायल करता है और अपना हीरो गोल्डन एज को एक्टिवेट कर उस मोबाइल नंबर को देखता है और याद कर लेता है। और फिर आकुन एक्सपोर्टर से पूछता है क्या पुलिस ने अपने माल को जब्त कर लिया। इस पर वह एक्सपोर्टर नाम में जवाब देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जल्द ही माल आप तक पहुंच जाएगा। तभी आकुन को समझ में आता है कि हीरो ने उसे झूठ बोला है और वह हीरो पर एक जोर का घुसंड मारता है और हीरो को चोट लग जाती है। यहाँ हमें बॉडीगार्ड को भी दिखाया जाता है जो हीरो को बचाने के लिए आया होता है। यहाँ आकुन द्वारा हीरो को घुसंड मारता हुआ देख बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है और वह आकुन पर अटैक कर देता है। इससे आकुन वहीं पर बेहोश हो जाता है और बॉडीगार्ड हीरो को अपने कंधे पर उठाकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हीरो अपनी गोल्डन एज को एक्टिवेट करता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्ते को देखता है और फिर बॉडीगार्ड को गाइड करता है। फिर बॉडीगार्ड हीरो से कोजिमा के बारे में पूछता है। तब हीरो बताता है कि कोजिमा अंकलडा से मिली हुई है, वह अंकलडा की असिस्टेंट है। यहाँ हीरो की बात सुनकर बॉडीगार्ड को सदमा तो लगता है परंतु वह सख्त लौंडे की तरह अपने दुख दर्द और पीड़ा को अपने अंदर छुपा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर हीरो बॉडीगार्ड को उसी एक्सपोर्टर का मोबाइल नंबर बताता है और याद रखने के लिए बोलता है। फिर बॉडीगार्ड आगे जाकर देखता है कि मेन गेट पर दो गार्ड्स खड़े हैं और फिर हीरो को एक ब्यूटीफुल सोफे पर बैठाकर उन गार्ड्स पर अटैक कर देता है। तभी हीरो देखता है कुछ गार्ड्स बॉडीगार्ड की तरफ ही जा रहे होते हैं तो हीरो उनको चकमा देने के लिए वहां से भागने लगता है और पकड़ा जाता है और बॉडीगार्ड फिलहाल के लिए अपनी जान बचाकर वहां से गायब हो जाता है। और यहां दूसरी तरफ अंकलडा लेडी ऑफिसर को बोलते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जेडाई को दिखाओ। यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड अंकलडा का और टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी अंकलडा का गार्ड उनकी तरफ गन को तान देता है और लेडी ऑफिसर सूटकेस को अंकलडा की तरफ रख देती है। तभी अंकलडा सूटकेस को ओपन करके देखते हैं, तब उन्हें उसमें एक जेमर दिखाई देता है और वह लेडी ऑफिसर को बोलते हैं कि तुमने क्या मस्त प्लान बनाया है, तुम लोग यहाँ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे और उधर बॉडीगार्ड हीरो को बचाने गया है, तुम लोगों को सच में लगता है कि अकेला बॉडीगार्ड हीरो को मेरे आदमी से बचा लेगा, अब जुआंग रुई को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता, मैं उसके साथ वह करने जा रहा हूँ जो तुम लोगों ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा,
और अंकल डा इतना बोलने के बाद वहां से चले जाते हैं और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।